बादशाही मस्जिद लाहौर में वजारत औकाफ और मजलिसे उलमा पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम शहादत इमाम हुसैन अमन कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें तमाम मसालिक के उलमा किराम, पीराने किराम और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर एक गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद सईदुल हसन शाह ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का पैगाम है कि उम्मत में इत्तेहाद हो। कामयाब कॉन्फ्रेंस पर महकमा और मजलिसे उलमा को मुबारकबाद देता हूँ। इत्तेहाद उम्मत के हवाले से, यगानगत के हवाले से, आपस में एक प्यार को बढ़ाने के हवाले से, और जो हजरत इमाम हुसैन ने जो शमा रोशन की अपनी कुर्बानी देकर, वो यही है कि बस इकट्ठे रहना है, मिलजुल के रहना है इस मुल्क में, यही पैगाम है। और मैं समझता हूँ कि ये महकमा औक़ाफ़ मजहबी अमूर वालों को और सेक्रेटरी साहब और डीजी साहब और ख़ास तौर पर जो हमारे अमन के हवाले से सफ़ीर जिन्हें कहा जाता है अल्लामा अब्दुल खबीर आज़ाद, और इन्होंने जो इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा को यहाँ दावत दी इस अजीम बादशाही मस्जिद में, तो वो पैगाम मोहब्बत है, तो ये बड़ा ख़ूबसूरत है। तो अल्लाह ताला इसके जो असरात हैं वो दूर रस हों और इसमें और ज़्यादा आपस में जो इसार का जज्बा पैदा हो। हमने मजलिसे उलमा पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद हजरत इमाम हुसैन की शहादत के सबक को आम करने की ज़रूरत है और उम्मीद है कि मुहर्रम के दिन भी खैर जैसे गुजर जाएंगे। इसका जो मकसद है वो ये है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत है उसको जो है आम किया जाए, उससे जो सबक हमें हासिल होता है जिसमें इसार है, कुर्बानी है, सब्र है, तहम्मुल है, बर्दाश्त है, बर्दबारी है, इसको जो है आम करने की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा मजलिस उलमाए पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम बादशाही मस्जिद लाहौर में ये कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तमाम मसालिक के उलमा ने शिरकत भी की और ख़ूबसूरत इजहार ख्याल भी किया। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी एफर्ट इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की महकमा औक़ाफ़ की तरफ से वज़ीर आला पंजाब की हदायात पर हुई थी, आज आप देख लें कि आठवां दिन है और कल नौवीं और फिर दसवीं मुहर्रम है। इंशाअल्लाह अल्लाह से बड़ी कभी उम्मीद है कि अमन से, मोहब्बत से, आफियत के साथ हम इन दिनों को लेकर जा रहे हैं और गुजर जाएंगे, और हजरत इमाम आली मकाम की जो शहादत है उससे जो सबक हासिल होता है उसको बड़ा आम करने के लिए। तो आज का मकसद भी यही था कि हम इस बात को जो उससे सबक हमें शहादत हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलती है उसको आम करें। कॉन्फ्रेंस में डीजी औक़ाफ़ ताहर रज़ा बुखारी, सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद, मौलाना नईम बादशाह, पीर मोहम्मद उस्मान नूरी ने भी खिताब किया।